हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान। आप देख रहे हैं गुड टर्न। गाइस, अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हैं आगे क्या किया जाए, तो आप हम आपकी टेंशन को कम करने जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंप्लीट कोर्स की जानकारी नहीं होती है। ज़्यादातर मैक्स स्टूडेंट्स को लॉ, मेडिकल, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग की फील्ड की जानकारी रखते हैं, और इन कोर्स को कंप्लीट करने के लिए टाइम और पैसा दोनों ही ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और ऐसे में आपको 5 कोर्स बताने जा रहा हूँ जिसमें टाइम और पैसा दोनों ही कम लगता है, और जल्दी से जल्दी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं और अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पर आ जाता है डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे मार्केट में आजकल इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमा कराते हैं फॉरेन लैंग्वेज में, और इस कोर्स को करने के बाद आप जल्दी से जल्दी काफ़ी अच्छी जॉब ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज करने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स की, स्कूल में और प्राइवेट कंपनीज में भी। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको एम्बेसी में भी जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाती है, और उसके बाद काफ़ी अच्छी आप इनकम कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर जो ट्रेंड में लैंग्वेजेस चल रही हैं वो है जर्मन, जापानीज, फ्रेंच और स्पेनिश। इसको करने के बाद आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग सकती है और काफ़ी अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। गाइस, सेकंड नंबर पर आ जाती है डिप्लोमा इन टीचिंग। इंडिया में टीचिंग की फील्ड को काफ़ी बढ़िया माना जाता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट गर्ल्स 12th के बाद इसी कोर्स को करना चाहती हैं, इसी कोर्स को चूज़ करती हैं। और गाइस, टीचिंग में डिप्लोमा कई सारे होते हैं, जैसे कि टीचर, एलिमेंट्री टीचर इन एजुकेशन, और डिप्लोमा इन एजुकेशन, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो गाइस, इस कोर्स को करने के बाद जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाती है स्कूल्स के अंदर, और उसके बाद आप काफ़ी अच्छे इनकम कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स है जिसको आप करके जल्दी से जल्दी जॉब लेकर अच्छी खासी इनकम। गाइस, थर्ड नंबर पर जाता है डिप्लोमा इन डिज़ाइनिंग। अगर आप क्रिएटिव हैं या आप कुछ अलग कर सकते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा रह सकता है। आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, और कम से कम पैसे में, और जल्दी से जल्दी आप कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें होता है फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। गैस, फैशन डिज़ाइनिंग में आपको कपड़े डिज़ाइन करने होते हैं। इसमें फैशन डिज़ाइनिंग का आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी का भी, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उनके भी आपको मौका मिल सकता है कपड़े डिज़ाइन करने का। और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में आपको ज्वेलरी डिज़ाइन करनी पड़ती है, और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर गैस आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है कि वेबसाइट का लुक कैसा आना चाहिए, वेबसाइट कैसे दिखती है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपके जैसे फ़ोटोज़ होते हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं, ग्राफिक्स जो आते हैं उनको आपको डिज़ाइन करना होता है। तो गैस, इस कोर्स को करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट में जॉब मिल सकती है, और जॉब के साथ साथ अपना खुद का भी बिज़नेस कर सकते हैं। गाइस, 4 नंबर पर जाता है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में भी डिप्लोमा किया जा सकता है, और इस डिप्लोमा को करने के बाद आप न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट में भी जॉब कर सकते हैं। और ये बहुत सारे मार्केट में इंस्टीट्यूट हैं जो ये डिप्लोमा कराते हैं, और इस जर्नलिज्म में डिग्री के साथ साथ आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 1 साल की होती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसके मदद से आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सकती है, और काफ़ी अच्छी इनकम आप कर सकते हैं इसमें भी। गाइस, 5th नंबर पर जाता है डिप्लोमा इन नर्सिंग। अगर आप 12th के बाद मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं और आप डिग्री कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कई जगह पर एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ सकता है, और काफ़ी सारे कॉलेज में क्राइटेरिया जो होता है वो मेरिट बेस पे भी होता है और एंट्रेंस बेस पे भी होता है, तो आपको कई जगह पर एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो इसको स्कोर करने के बाद आप 10,000 से 40,000 तक की इनकम कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है, और उसके बाद 10 से 40,000 रुपये आप कमा सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को